भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। पिछले महीने आंग सान सू ची का तख्ता पलट करने के बाद सेना लोकतंत्र लौटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हर दिन और क्रूर होती जा रही है। म्यांमार में सेना की गोलियों से 18 लोगों के मरने की खबर ने पूरी दुनिया में म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ गुस्सा भर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अब आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने भी म्यांमार की सेना से साफ कहा है कि तुरंत लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेता आंग सान सू ची को रिहा किया जाए और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। आसियान देशों की ये अपील ऐसे समय आई है जब प्रदर्शनकारियों पर म्यांमार की सेना गोलियां बरसाने से बाज नहीं आ रही। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान में म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम शामिल हैं। म्यांमार के हालातों पर आसियान देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक सम्मेलन किया। इसमें इंडोनेशिया की विदेश मंत्री ने कहा कि म्यांमार के लोगों के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इंडोनेशिया के लिए म्यांमार के लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, इसलिए इंडोनेशिया की अपील है कि सेना बल के प्रयोग से बचे, साथ ही सेना को बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। उधर सम्मेलन शुरू होने से पहले सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने कहा था कि आसियान म्यांमार के प्रतिनिधियों को ये बताएंगे कि सदस्य देश हिंसा से आक्रोशित हैं। इसके अलावा वो सैन्य जनरल को बातचीत के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा कि आसियान की नीति एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने की नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी को भी कुछ भी करने की आज़ादी दे दी जाए। इससे पहले म्यांमार के यंगून से सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की ताज़ा तस्वीरें सामने आईं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करती दिखी, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कई गिरफ्तारियाँ हुईं। वहीं म्यांमार के दावेई में विरोध प्रदर्शन करते हुए मरने वाले लोगों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 34 साल के पीथान के शव को आंग सान सू ची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के झंडे में लपेटा गया। अमेरिका ने भी म्यांमार में हिंसा से नाराज होकर सैन्य शासकों को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा, हम निहत्ते लोगों के क्रूरता से मारे जाने पर बर्मा के सुरक्षा बलों की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर हमले भी निंदनीय हैं। अमेरिका ने अपने साथियों के साथ बर्मा की सेना से ये साफ कर दिया है कि हम वहां तख्ता पलट के खिलाफ विरोध कर रहे हजारों लोगों के साथ खड़े हैं। अगर सेना लोकतांत्रिक सरकार लौटाने में असफल रहेगी तो आगे अमेरिका की तरफ से उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा, हमारा संदेश साफ है, हम म्यांमार में हिंसा खत्म होते देखना चाहते हैं। हमें ये देखना शुरू करना होगा कि म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी अब किस रास्ते से हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि डॉक्टर सासा ने भी म्यांमार में मानवाधिकारों के उल्लंघन की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर सासा ने कहा, हम म्यांमार के सैन्य जनरलों के खिलाफ मामला तैयार कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और संयुक्त राष्ट्र के पास मौजूद दूसरे विकल्प भी तलाश रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के जरिए कदम उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देख रहे हैं कि म्यांमार की सेना के जनरलों की जिम्मेदारी तय करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार में सेना तख्ता पलट को सही ठहरा रही है। सेना का आरोप है कि पिछले साल नवंबर में हुए चुनाव में धांधली हुई थी। वहीं म्यांमार के निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुए थे। उन चुनावों में आंग सान सू ची की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। आंग सान सू ची म्यांमार में सैन्य शासन से लंबे संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर सत्ता में आई थीं।